रकू के बाद सीधा खड़ा होने को कोमा कहा जाता है और रकू के बाद बिल्कुल सीधा खड़ा होना और एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मकदार ठहरना ये वाजिब है। अगर जानबूझकर इस वाजिब को तर्क किया तो नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी, यानी नमाज वाजिबुल इआदा, नमाज का दोबारा पढ़ना आपके लिए वाजिब हो जाएगा। और अगर आपने जिंदगी में बहुत सी नमाजें ऐसी पढ़ी हैं जिनमें आपने रकू या सजदे में कमर सीधी नहीं की, नमाज के वाजिबात तर्क किए, उन नमाजों का दोबारा पढ़ना आपके लिए वाजिब है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मसले से गाफिल हैं, नमाज इतनी जल्दी में पढ़ते हैं कि रकू से उठने के फौरन बाद अभी कमर भी सीधी नहीं होती तो सजदे में चले जाते हैं, दो सजदे इतनी तेजी से करते हैं कि दो सजदों के दरमियान कमर सीधी नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रकू और सजूद के दरमियान अपनी कमर सीधी नहीं करता वो नमाज का चोर है और अल्लाह पाक ऐसे बंदे की नमाज की तरफ नहीं देखता। तो सही तरीके के मुताबिक रकू के बाद कम अज कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मकदार बिल्कुल सीधा खड़े हों, फिर सजदे में जाए। जहन्नम में ले जाने वाले आमाल जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 453 पर हदीस मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स 60 साल तक नमाज पढ़ता है लेकिन अल्लाह पाक उसकी नमाज कबूल नहीं फरमाता, इसलिए कि वो सजदे पूरे तरीके से अदा करता है तो वो रकू पूरे तरीके से अदा नहीं करता, अगर वो रकू पूरे तरीके से अदा करता है तो वो सजदे पूरे तरीके से अदा नहीं करता। मतलब ये कि वो सारी जिंदगी नमाज तो पढ़ता रहता है लेकिन उसने सीख कर नमाज नहीं पढ़ी, बस लोगों को देखा देखी नमाज पढ़ता रहा। तो बराए मेहरबानी नमाज ज़रूर पढ़ें, इससे भी अहम बात यह है कि नमाज सीख कर पढ़ें। इस पैगाम को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये पैगाम बहुत से लोगों तक पहुंच जाए और बहुत से लोगों की नमाज दुरुस्त हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।